अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फैशन विद हुदा। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, सेहत से होंगे। तो जी फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आई हूँ प्यारे प्यारे सोफ़ा कवर्स। इससे आपके सोफ़े की जो लाइफ है वो मज़ीद बढ़ जाएगी व्यूअर्स। अगर तो आप अपने सोफ़े के ऊपर इस तरह से प्यारे से कवर्स बिछा के रखती हैं तो आपके जो सोफ़ा हैं वो कभी भी पुराने नहीं होंगे, हमेशा न्यू के न्यू रहेंगे। क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो तकरीबन हर घर में होते हैं, तो जब बच्चे इसको ख़राब कर देते हैं, गंदा कर देते हैं, तो दोबारा इसको साफ़ करना बहुत ही मुश्किल होता है। जिसके लिए ज़रूरी है कि जो माएँ होती हैं वो पहले ही इसके लिए कुछ एहतियात कर लें। जिस तरह से प्यारे प्यारे उसके कवर सिलाई करके अगर डाल दिए जाएँ सोफ़े पे, तो एक तो उसकी खूबसूरती मज़ीद बढ़ेगी, दूसरा जो है वो सोफ़े जो आपके गंदे होने से बच जाएंगे। प्यारे फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको बहुत अच्छे से आइडियाज़ मिलने वाले हैं। इस तरह से आप डॉटेड कपड़ा लेके उसके साथ किसी प्लेन कपड़े की डिज़ाइनिंग करके फ्रिल लगा के अपने सोफ़े के लिए बहुत अच्छा सा जो है वो कवर तैयार कर सकती हैं। डिफरेंट आपको जो है वो इसमें प्रिंट के आइडियाज़ मिलने वाले हैं। इस तरह से आप फ्लोरल प्रिंट ले सकती हैं, उसमें चुनर डाल के उसकी थोड़ी सी डिज़ाइनिंग करके थोड़ी सी उसको फ्रिल लगा के आप डिज़ाइनिंग कर सकती हैं। अगर तो आपके बच्चे छोटे हैं तो चाहिए आपको आप थोड़े से डार्क कलर लें, लेकिन अगर आपके बच्चे बड़े हो चुके हैं और आप थोड़ी सी डिसेंट लुक चाह रही हैं तो आप प्लेन कपड़ा भी ले सकती हैं। इसके अलावा आप वाइट कलर में जो है वाइट कलर के साथ कंट्रास्ट करके या फिर सिर्फ वाइट कलर लेके उसकी भी डिज़ाइनिंग कर सकती हैं, उसको भी बहुत अच्छे से स्टिच कर सकती हैं। फ्रेंड्स, अगर तो आपको ख़ुद से ही स्टिचिंग करने आती है तो बहुत ही अच्छी बात है, आप अपने घर को खुद से सजाएं, जिससे आपको ज़्यादा खुशी होगी। लेकिन अगर आपको स्टिच करने नहीं आते तो ये आपको बआसानी बाज़ार से दस्तयाब हो सकते हैं। ये जर्सी में भी मिल सकते हैं, इसके अलावा आप क्रोशे में भी ले सकते हैं। और सेम जो आप अपने सोफ़े का कवर तैयार करेंगी उसी तरह का आप अपने कुशन्स के लिए भी तैयार करें, फ्रिल लगा के, मगजी लगा के, या फिर किसी प्लेन कपड़े से कंट्रास्ट करके जो है थोड़ी सी लेसिस लगा के इसको मज़ीद फैंसी बना सकती हैं। आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो को एंड तक देखने का बहुत शुक्रिया। अगर आप चैनल पे नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। दुआओं में बहुत याद रखिएगा और अपना भी बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।